नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग न्यूज रफ्तार और मैं हूं सत्यपाल सिंह। हैप्पी वैली स्कूल में कैरेक्टर और करियर बिल्डिंग को लेकर यूपीएससी एनडीए सीडीएस एवं अन्य यूपीएससी एग्जाम के लिए विशेष सत्र का किया गया आयोजन। आज भागलपुर के हैप्पी वैली स्कूल में नेशनल डिफेंस एकेडमी और कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज की परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए एक विशेष कैरेक्टर और करियर बिल्डिंग सत्र का आयोजन किया गया। इस सत्र का उद्देश्य छात्रों को न केवल परीक्षा की तैयारी कराना बल्कि उन्हें मजबूत चरित्र निर्माण और सशस्त्र बलों में करियर के प्रति उत्साहित करना भी है। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के प्राचार्य श्री चंचल गिरी ने की, जिसमें उन्होंने छात्रों को इस बात से की महत्ता को समझाया कि एक सशक्त और अनुशासित व्यक्ति का निर्माण उन्हें किसी भी प्रकार की परीक्षा की तैयारी के लिए बेहतर बना सकता है। वहीं स्कूल के चेयरमैन डॉक्टर संजय कुमार सिंह ने अपने वक्तव्य में कहा कि छात्रों के लिए कैरेक्टर बिल्डिंग केवल नैतिक शिक्षा तक सीमित नहीं है बल्कि वह एक मजबूत और आत्मनिर्भर व्यक्तित्व के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। साथ ही उन्होंने कहा कि हैप्पी वैली स्कूल के सिल्लीगुड़ी शाखा में अगले सत्र 2025-26 में विद्यालय शिक्षा के साथ साथ एनडीए और एसडीएस की भी पढ़ाई होगी। वहीं सत्र के प्रमुख वक्ता के रूप में सेना के रिटायर्ड अधिकारी कर्नल अजय रामाकृष्णन ने भाग लिया और उन्होंने छात्रों को अपने अनुभवों को साझा करते हुए सेना में करियर बनाने के फायदे और चुनौतियों के बारे में अवगत कराया और उन्होंने छात्रों को अपने अनुभवों को साझा करते हुए सेना में करियर बनाने के फायदे और चुनौतियों के बारे में अवगत कराया। उन्होंने वर्ग 7 से 10 तक के लिए योद्धा पाठ्यक्रम और क्लास 10 से 12 के लिए फाउंडेशन यूपीएससी की कक्षा चलाने की बात कही। साथ ही छात्रों को प्रेरित करते हुए उन्होंने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करने और आत्मनिर्भर होने का प्रयास करने की बात कही। वहीं हैप्पी वैली स्कूल और कर्नल अजय रामकृष्णन अकादमिक के टीम द्वारा आयोजित सत्र में उपस्थित एनडीए और सीडीएस की तैयारी के लिए छात्र एवं उनके परिजन काफी उत्साहित एवं खुश दिखे। जोरदार तालियां मैम के लिए। जैसा आप जानते हैं, मैं डॉक्टर संजय सिंह हैप्पी वैली स्कूल्स का चेयरमैन हूं। अब हम लोगों का 3 ब्रांच हो गया, भागलपुर, पीरपैंती और सिलीगुड़ी। ये जो आज प्रोग्राम हम लोग यहाँ पे किए हैं, ये एक इंटरेक्शन प्रोग्राम था पेरेंट्स के साथ, हैप्पी वैली स्कूल भागलपुर के पेरेंट्स के साथ। स्पेशली जो हायर क्लासेस के बच्चे हैं उनके लिए ये प्रोग्राम हम लोगों ने यहाँ अरेंज किया, जो ये बताता है कि जो कर्नल अजय डिफेंस एकेडमी है वो और हैप्पी वैली स्कूल मिल करके एक नए दिशा में डिफेंस सर्विसेज के लिए बच्चों को तैयार करने के, और जो डिफेंस सर्विसेज में नहीं भी जाते हैं उनका इंटरेक्टिव स्किल्स, उनका कॉन्फिडेंस, उनका डिसिप्लिन, उनकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स, ये सब इम्प्रूव करने के लिए ये एक रेसिडेंशियल प्रोग्राम है जिसमें कि बच्चों को हॉस्टल में रह करके पढ़ना है। और वो अभी हम लोग सिलीगुड़ी में ही प्रोवाइड कर पा रहे हैं क्योंकि वो हॉस्टल फैसिलिटी सिलीगुड़ी वाले स्कूल में है। दो तरह के प्रोग्राम हैं, एक जो क्लास 7th ऑनवर्ड्स होगा जिसे योद्धा प्रोग्राम कहा गया है, 7th ऑनवर्ड ही उन बच्चों को जिनका इंटरेस्ट आर्मी में जाने का है या आर्म्ड फोर्सेस में जाने का है या जो उस तरह के फिजिकल एक्सरसाइजेज एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि सारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनते हैं और बनते भी हैं तो उनको बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो ये पेरेंट्स को एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, जो कि अब हमारा देश भी आगे बढ़ रहा है तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़ी है और डिफेंस कोर्सेज डिफेंस सर्विसेज में बहुत अपॉर्चुनिटी बढ़ी है जहाँ पे कि बहुत अच्छा आप अपना करियर बना सकते हैं। नमस्कार, मैं आपको एक बेहतरीन प्रोग्राम के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ जिसका नाम है योद्धा। ये कर्नल अजय डिफेंस एकेडमी और हैप्पी वैली स्कूल्स के साथ ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसमें क्लास 7, 8, 9, 10 के बच्चों को हम लोग एक बोर्डिंग में कलेक्टिवली डाल कर वर्ड स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स, इंटरव्यू स्किल्स और एकेडमिक्स में इस प्रकार से साइंटिफिकली हम लोग ट्रेन करेंगे और बिल्ड करेंगे
और इससे हम लोग पूरा उम्मीद रख रहे हैं कि ये बच्चे आगे जाकर अपने बोर्ड एग्जाम्स में अपने पूरे ज़िंदगी में बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स हासिल करें। इस प्रोग्राम का एक और मुद्दा है कि जो नॉर्मल डिस्ट्रैक्शंस, नॉर्मल आपके स्क्रीन टाइम्स, अलग अलग हैबिट्स जो हमारे बच्चे नहीं के कारण, ये सारे चीज़ हम लोग एड्रेस करेंगे। सेल्फ डिसिप्लिन बिल्ड करना है, एक फोकस बिल्ड करना है, एक डायरेक्शन बिल्ड करना है, जो कि एक साथ इन बच्चों को रख कर कलेक्टिवली हम लोग बिल्ड कर सकते। इसके साथ साथ एक प्रोग्राम है जो क्लास 11 में, क्लास 10 के बाद आप जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है NDA UPSC फाउंडेशन। इस प्रोग्राम के ज़रिए हम तो आपके बच्चों को UPSC एग्जाम्स की पूरी तैयारी करते हैं, साथ साथ स्किल्स, पर्सनालिटी बिल्डिंग, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, कम्युनिकेशन, ग्रूमिंग और एटिकेट का पूरा एक्सपीरियंस और जानकारी। Myself, प्रिंसिपल हैप्पी वैली स्कूल, मिनिस्टर चंचल गिरी। आई हैपन टू कोऑर्डिनेट दिस प्रोग्राम ऑफ काडा। मिस्टर कर्नल अजय रामाकृष्णन, हु इज हेडिंग दिस काडा प्रोजेक्ट। काडा इज बेसिकली कर्नल अजय's डिफेंस अकेडमी। So I, as a principal of the school, felt that this is the need of the hour, because most of the parents who are in my school, they belong to the paramilitary background. So I felt that these parents are definitely wanting their children to go into that particular field. So this will be an opportunity for those students who want to pursue their career in the Indian Air Force, whether it is Indian Navy, Indian Army or Indian Air Force. So that was the main motive behind this, because in today's era, students are studying, but it is what we notice as a teacher or as a principal, that it is unorganized. So once they enroll themselves in this CADA program, then definitely that will be a game changing for them. And I think in the days to come, when they pass class 10th, they will have a solid base to stand upon.